इंग्लिश आगे कोई रुकावट ना डाले, इसके लिए मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर डांट दिया। योगिता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत हैं। इन बड़ी आंखों में पांडे डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को आज अचानक योगिता से प्यार हो गया। पांडे को भी इस समय पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उस पर चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो गई थी। मनोज को यह जानकर सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब पांडे श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योगिता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसीलिए योगिता के मन की थाह लेने दोनों एक दिन उसके घर पहुंच गए। योगिता ने मनोज से कहा, रवि सर आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सेलेक्ट हो जाओगी। मनोज ने वक्त बर्बाद ना करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योगिता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी, कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते हैं। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ चार चांद लगा रहा था। इसीलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की उम्मीद नहीं थी। वह योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योगिता उसमें रुचि ले रही थी। योगिता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने रख दी। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योगिता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योगिता से कहा, हाँ तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छे पोहे बनाती है, मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गाँव में तो पोहे बनते ही नहीं, ग्वालियर आकर ही इन्होंने पहली बार पोहे खाए। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था, वह योगिता से भी वैसे ही बातचीत कर रहा था जैसे वह त्यागी जी अविनाश से करता है। योगिता के कमरे में एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। सितार कौन बजाता है, उसने कहा। मैं कभी कभी बजाती हूँ, योगिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा। संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है, मैं एक अच्छा गायक तो नहीं हूँ पर एक अच्छा श्रोता जरूर हूँ, उसने योगिता से कहा। योगिता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा किसे। पांडे ने योगिता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की भूमिका बना दी, मतलब उसने ये बता दिया कि अब रिश्ता लंबा चलना है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने एक भरी हुई नजर योगिता के चेहरे पर डाली। योगिता की बड़ी सी आंखें झुक गईं और वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थी, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने से पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योगिता से बात करने में वह समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को पढ़ाई की चिंता सताने लगी। दिसंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी की मुख्य परीक्षा होनी थी। पांडे ने बगल के कमरे में झांक कर देखा। वहां अविनाश मुग्दल अपनी किताबों में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ और दोनों ने किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योग्यता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था, दोनों प्यार में डूब चुके थे।
और सामने परीक्षाएं थी। पांडे ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बते का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे सोनी सोनी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योगिता की बड़ी और सोनी अखियों में डूब गया। गुप्ता पीली कोठी में नए नए आए दो लड़कों को परीक्षा की तैयारी के गुर समझा रहा था। वह तल्लीन होकर नौसिखिए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। मैंने और दीप सोनी ने साथ इंटरव्यू दिया था। वो तो इंटरव्यू के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, नहीं तो मैं दीप की तरह आज कहीं डीएसपी होता। गुप्ता ने उन लड़कों को आगे प्रेरित करते हुए कहा, तुम लोग मेरे बताए तरीके से पढ़ाई करोगे तब देखना तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। हिस्ट्री में उत्तर कैसे लिखा जाता है ये तो मैंने ही दीप को सिखाया था, तब जाकर हिस्ट्री में अच्छे नंबर आए थे उसका, चेला था मेरा। दोनों लड़के गुप्ता के झूठ पर टिके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर चले गए। तब तक अविनाश एक नए लड़के के साथ गुप्ता के कमरे में आ गया। पीछे पीछे पांडे और मनोज भी आ गए। अविनाश ने गुप्ता से कहा, ये नवल भल्ला है, ये भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, इंटरनेशनल रिलेशन में तो पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कुछ भी समस्या आती है मुझसे ही पूछते हैं, क्यों अविनाश? गुप्ता ने नवल को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया और अविनाश से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाही। अविनाश ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखते हुए कहा, पीली कोठी क्या, गुप्ता का तो पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के वक्तव्य को नवल ने चुनौती के रूप में ले लिया। नवल ने गुप्ता के साथ साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का मन बना लिया। उसने अपने नोट्स निकाल लिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया। अच्छा बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, भारत सरकार के उनके किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवल के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसीलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लगाई। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी चार रोटियां रखी थी। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसीलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए पूछा तो सभी ने शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता को नवल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसीलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवल ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न फिर से याद दिलाया। बताइए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होना ही चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवल ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में ही था। नवल की चुनौती के कारण गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके उत्तर याद करने का सफल अभिनय करने लगा, पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जुबान पर आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा। नवल ने वहां बैठे अविनाश, मनोज और पांडे को ललकारा, आप लोगों को तो पता है ना? किसी को उत्तर नहीं पता था, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है। पर नवल कट्टर था, उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न को थोड़ा सरल कर दिया। चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवल की नजर में सरल प्रश्न शेष लोगों की नजर में जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया, पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने समय का बेहतर उपयोग किया, वह झूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवल के सामने हथियार डाल दिए। नवल ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह की थी, आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर टूट पड़ा था। नवल को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन युद्ध भूमि में पड़े पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवल ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, उनका नाम है जूनिकिरो कोइजुमी।
वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म नए साल पर अगर वो श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसके प्यार का दर्द सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत ले। 15 मिनट मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने एक तरकीब मनोज को बताई, मनोज विकास सर की कोचिंग में जरूर होगा श्रद्धा का नंबर, चले। पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर मैडम वर्मा अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया। एक महिला की आवाज आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैंने दृष्टि में कोचिंग की है, मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी, उनका फोन नंबर मिल सकता है क्या? मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने उसे पहचाना नहीं। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया, आप वर्मा मैडम बोल रही है ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। महिला ने रूखे स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई है, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फोन नंबर लेने की मनोज की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत जरूरी है, उनकी आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करनी है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक ना भूले उपयोगी हथियार झूठ का उपयोग किया, पर आज उसका यह हथियार बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फोन लगाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, इसीलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देगी, लेकिन अप्रभावित महिला ने यंत्रवत जवाब दिया, सर तो छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वहीं आ गई जहां से चली थी, सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर नई सलाह मनोज को दे डाली, मनोज अब तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे लगता है तुम्हें अब अल्मोड़ा की तरफ कुछ करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते, ऐसा लगता है मुझको। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है, कैसे जाएगा वो? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा मिलेगी कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके माँ बाप होंगे, क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है? केवल फोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है, कैसे जाऊंगा इतनी दूर? मनोज के मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन, फिर दिल्ली से बस से, सिंपल। पांडे ने मनोज की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझाया, लेकिन मनोज अब भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे फिर समझाया, रे मनोज प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते यार, तक बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए हीना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह घबराया हुआ था। रात भर वह यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा।
श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके माँ बाप से मनोज क्या बहाने बनाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा प्राकृतिक दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनोज पहाड़ी सौंदर्य में डूब सा गया। उसे लगा कि इसी सौंदर्य के कारण शायद श्रद्धा भी इतनी सुंदर और भली है। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। उसे श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में मॉल रोड है और मॉल रोड के नीचे सर्वोदय नगर है। यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर उसका घर है, जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी। आज वो भी इन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नजदीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था गणेश चंद जोशी प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा उससे। उसकी सारी कल्पनाएं, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धमक का शोर खुद सुनाई दे रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची थी। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसी ही घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, श्रद्धा जोशी से मिलना है। लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। अब वो उस घर में था जहां उसकी श्रद्धा रहती है। वो अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा, गुलाब, गेंद, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद, निबंध, गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां और कप दिखाई दे रहे थे। हर एक पर श्रद्धा जोशी का नाम लिखा था। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक से चकाचौंध होने के लिए उसकी आंखें बेताब हो रही थी। तभी अंदर से श्रद्धा की माँ आ गई। मनोज ने श्रद्धा की माँ को नमस्ते किया। नमस्ते आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की माँ ने अभी तक उसे बुलाया नहीं था। क्या पता वो पहले मनोज को परख लेना चाहती हो फिर श्रद्धा को बुलाए, या मुरैना की तरह किसी अनजान लड़के से अपनी लड़की को ना मिलने देने का रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पे ना हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ रही थी। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की माँ ने मनोज से पूछा। उसे अब माँ को जवाब देने थे। जी मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मनोज माँ से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर माँ के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। माँ ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाज शास्त्र में रुचि ले रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा करती हैं। पर उसने बात संभालने की कोशिश की। जी अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। श्रद्धा की बात छोड़कर माँ सभी बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला दीजिए।
उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और माँ से बोला, आंटी जी ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की माँ ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है, लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर नीचे गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही खत्म हो गई। पर जल्द हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके माँ से कहा, श्रद्धा का फोन नंबर चाहिए था, मेरे पास था पर कहीं खो गया है। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की माँ उसके बारे में क्या सोच रही होगी। श्रद्धा की माँ उधार निकली, उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें फिर बढ़ने लगी। बात ना करो तब भी बेचैनी और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। वह इंतजार करता रहा, घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करनी है। अच्छा रुकिए, बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फोन पर आ गई। मनोज अब वो आवाज सुनने जा रहा था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। हेलो। वह दिल थाम कर खड़ा रहा। क्या ये वही आवाज है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांस लेने जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है? क्या इसी आवाज को सुनने के लिए वो यहां इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फोन में से फिर आवाज आई, हेलो कौन है? अब वो चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ, श्रद्धा। मनोज तो? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई थी, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? हाँ मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो, पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई है? क्या लड़कियां सब कुछ इतना जल्दी भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है? यह लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती हैं? मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था, एक एक पल जो उसने श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा, मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूं। आंखें बंद किए, आंखों में श्रद्धा को बसाए, लरजती हुई आवाज में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया, Are you mad? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी, आगे से मुझे फोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। फोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी से बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं नहीं, मैं किसी और को पहचानने में गलती कर सकता हूं, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी गलती है जो मैं उसके घर पहुंच गया, मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज सुनाई दी। आप मनोज हैं? ये एसटीडी वाला था। आपका फोन है। मनोज एसटीडी पर फिर से पहुंचा। श्रद्धा फिर से फोन पर थी। इस बार श्रद्धा ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए मनोज से कहा, मनोज जी तुम क्या करते हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्जाम कैसा गया? प्यार की तलाश में हजार किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था।
उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्जाम इंग्लिश के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मैंने मेंस का एग्जाम पूरा नहीं दिया, इंग्लिश के पेपर में ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की कहानी श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही, फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने को मिलती है और तुमने वो अधूरी छोड़ दी। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो सकते हो, तुम ही बताओ। मनोज कुछ नहीं कह पाया, वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा। लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब कोई भय, कोई आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति और ना अपने भविष्य के प्रति। मनोज जिस प्यार की तलाश में अल्मोड़ा गया था वह प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन प्यार की जगह उसे श्रद्धा का भरोसा मिल गया था। श्रद्धा के संदेश को मन में बसाए वह वापस ग्वालियर आ गया। दूसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 3 महीने बचे थे। मनोज ने डायरी में लिखा, मैं तुम्हारी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा, तुमने मुझे राह दिखाई है। यदि मैं अल्मोड़ा नहीं जाता तो शायद मुझे ये रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अब मेहनत के दिन आ गए, अब मुझे लगातार मेहनत करना चाहिए। दिन के 11 बज चुके थे। मनोज और पांडे ने तय किया कि वे आज 7-8 घंटे लगातार पढ़ेंगे। साथ के कमरों में अविनाश, नवल और गुप्ता ही पढ़ रहे थे। तभी पीली कोठी के नीचे एसटीडी पर योगिता का फोन आ गया। योगिता ने कहा कि वो मिलने आ रही है। पांडे का दिन भर पढ़ने का विचार पीछे छूट गया। देखने के लिए अब सामने इतिहास की किताब खुली थी, लेकिन पांडे उस किताब में कुछ पढ़ नहीं रहा था। पूरी दोपहर ऐसे इंतजार करते हुए उसकी कट गई, पर योगिता नहीं आई और ना ही पढ़ाई हुई। वह कभी छत पर जाता, कभी नीचे। वह योगिता के इंतजार में मचलते भूत की तरह पीली कोठी में भटकता रहा। योगिता के आने तक पांडे को अपना समय काटना था और इस उद्देश्य से वह नवल के कमरे में चला गया। उसे देखकर नवल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, अर्थात नवल नहीं चाहता था कि पांडे वहां खड़ा रहकर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करे। नवल का सपाट चेहरा देखकर पांडे समझ गया कि उसे यहां से चले जाना चाहिए। वह अपने मन में नवल को गालियां देता हुआ उसके कमरे से बाहर चला गया। 5 बजे योगिता के आने के बाद प्रेमी पांडे ने राहत की सांस ली। योगिता ने बड़ी सी आंखें नचाते हुए कहा, सॉरी लेट हो गई, 20 तारीख को मेरी दीदी की शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। इतना कहकर योगिता ने शादी का एक कार्ड निकालकर पांडे के सामने टेबल पर रख दिया। 5 घंटे के इंतजार के बाद पांडे को अपनी प्रेमिका का 5 मिनट ही नसीब हुआ। योगिता के जाने के बाद वह लंबी सांस लेकर पलंग पर लेट गया। यह सुख की सांस थी। उसने महसूस किया कि अब वो पढ़ सकता है। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स के लिए अब माहौल सकारात्मक है। उसने किताब उठा ली। 10 मिनट किताब पकड़े रहने के बाद पांडे ने योगिता की दीदी की शादी का कार्ड उठा लिया और उसे बारीकी से निहारता रहा। फिर उसकी इच्छा टेप पर गाना सुनने की होने लगी। उसने फिर से मोहब्बतें फिल्म का गाना सोनी सोनी अखियों वाली लगा दिया। गाने की आवाज फुल थी। पास के कमरे में नवल को इस गाने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। उसने पांडे के कमरे में आकर मनोज से कहा, गाने की आवाज कम कर दो पहले। नहीं, मनोज ने गाने की आवाज कम कर दी। नवल वापस अपने कमरे में पढ़ने चला गया। पांडे ने मनोज से कहा, ये नवल पढ़ने का अभिनय बहुत करते हैं यार, हम क्या पढ़ाई नहीं करते? हमें तो गाने से डिस्टर्ब नहीं होता, उल्टे जब गाना चलता है तो हम तो और अच्छा पढ़ते हैं। पांडे ने उसके बाद नवल को जी भर कर गा लिया। मनोज के पैसे खत्म हो गए थे। उसे पता चला कि पिता गांव आए हैं तो उनसे मिलने और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेने गांव चला गया। बस से उतरते ही पुलिया पर उसे विष्णु और बल्ले मिल गए। विष्णु सरकारी स्कूल में टीचर बन गया था।
मनोज को देखते ही विष्णु बोला, क्यों मनोज आ गया? कब तक बनेगा डिप्टी कलेक्टर? बहुत साल हो गए अब तो। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि गांव में प्रवेश करते ही उसे इस तरह का व्यंग सुनना पड़ेगा। उसने विष्णु को समझाते हुए कहा, अरे हो जाएगा विष्णु, समय लगता है यार। पर विष्णु अपने पुराने 12th फेल दोस्त का स्तर जानता था। उसे लगता था कि मनोज सिर्फ मस्ती मजे के लिए ग्वालियर में रह रहा है। उसकी नजर में मनोज को शहर की हवा लग चुकी है। तू मुझे पागल नहीं बना सकता, मैं जानता हूँ तुझे और तेरी पढ़ाई को भी। विष्णु को मनोज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बल्ले ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया था, बचौरा में कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा था। उसने मनोज पर व्यंग करते हुए कहा, ये मुझे काय कटा ले, चश्मा लगे ले हो? मोए तो तोई लचिन ठीक ना लग रहे, मोए तो लागते कि तेने मोड़ी फसाई ली है ग्वालियर में। देखिए भैया, नाक ना कटाई दिए गांव की। अपने दोस्त की बात सुनकर मनोज अपमानित सा अपने घर की ओर चल दिया। पिता कमरे के बाहर बरामदे में अपना कागज लिए बैठे थे। कमलेश कहीं बाहर गया हुआ था, माँ पड़ोस में चर्चा के लिए गई थी। छोटी बहन रजनी घर का काम कर रही थी। गांव आते ही मनोज को लगा कि श्रद्धा कितनी दूर की कल्पना है, और श्रद्धा का घर और उसका खूबसूरत शहर देख कर आया था। श्रद्धा के शहर के सामने उसका गांव कितना घटिया और कितना कमजोर है। इस माहौल में किसी को बात करने की तमीज नहीं है, सब गंदा बोलते हैं, व्यंग करते हैं। कहां श्रद्धा का घर और कहां उसका घर। उसे समझ आ गया कि श्रद्धा को लेकर उसकी कल्पना कितनी अव्यवहारिक है। पिता ने मनोज को देखा तो हुंकारते हुए बोले, कब आयो? मनोज के जवाब का इंतजार किए बिना पिता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अब वो फिर मेरे ट्रांसफर कर चाह रहे हैं, देखें कैसे करते हैं, सबकी खटिया कड़ी कर देंगे। क्या समझता है डिप्टी कलेक्टर, बेईमान साला। एक साल से पिता की नौकरी व्यवस्थित चल रही थी, पर पिता ने अब फिर से जंग खा रहे अपने हथियारों को चमकाना शुरू कर दिया था। मनोज समझ गया था कि पिता विश्राम के बाद फिर से जंग के लिए तैयार हो गए, कभी भी वह फिर से सस्पेंड हो सकते हैं। मनोज ने आज पहली बार अपने पिता से घर की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने की विनती की। पापा, 2-3 साल ठीक से नौकरी कर लो ना, मेरी पढ़ाई चल रही है, दिल्ली जाऊंगा कोचिंग के लिए, पैसों की जरूरत पड़ेगी। पिता ने उसे अनसुना करते हुए कहा, तू जानता नहीं है इन लोगों को, बहुत हरामी है, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मनोज समझ गया कि संकट बढ़ने वाला है। पिता फिर से संघर्ष के मूड में आ चुके हैं, अब उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि पिता सस्पेंड हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली जाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा। सिविल की प्रीलिम्स ग्वालियर से निकल सकती है, पर मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली जाना जरूरी है। मनोज अगले दिन माँ से 2,000 रुपए लेकर वापस ग्वालियर चला आया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वो व्यर्थ ही इतने बड़े सपने देख रहा है। IAS, IPS, श्रद्धा, PSC, उम्मीद के साथ गांव जाने वाला मनोज लौटते समय अपने साथ नाउम्मीदी और हताशा लेकर आया था। योगिता की दीदी की शादी में जाने के लिए पांडे और मनोज तैयार हो गए। अविनाश के पास लाल रंग की मारुति कार थी। कार से प्रेमिका के यहाँ जाने से पांडे का प्रभाव पड़ता, इसीलिए उसने शादी में जाने के लिए अविनाश को भी तैयार कर लिया। शादी के सुस्वादु भोजन के बदले अपनी कार ले जाने के लिए अविनाश तैयार हो गया। शादी में योगिता के सौंदर्य को देखकर पांडे आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पसंद पर गर्व करते हुए उसने अविनाश को कोहनी मारते हुए कहा, अरे देखो अविनाश, योगिता कितनी सुंदर है। लेकिन अविनाश स्पष्ट उद्देश्य से आया था, उसे इन बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया और पांडे की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और अपनी प्लेट सजा के पांडे के पास आकर खड़ा हो गया। अविनाश ने कहा, पांडे मटर पनीर अच्छा बना है, तुम भी प्लेट ले लो, ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चलकर पढ़ना भी है। अविनाश ने पांडे को इस रोमांटिक मौके पर पढ़ाई की याद दिला दी, पर पांडे की भूख प्यास मर चुकी थी, वो पढ़ाई भूल चुका था। वो मेहमानों से बात करती चहकती मुस्कुराती योगिता को निहार रहा था। पांडे ने इस बार मनोज से कहा, देखो मनोज, योगिता कितनी खुश है। मनोज ने पांडे को संतुष्ट किया, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे कारण ही खुश है, देखो ना उसकी खुशी छिपाया नहीं छिप रही।
अविनाश ने बहुत दिनों से दही बड़ा नहीं खाया था। उसने दही बड़ा खाते हुए कहा, पांडे दही बड़ा अच्छा बना है, खाओगे? योगिता के सौंदर्य में डूबे पांडे को अविनाश का व्यवधान पसंद नहीं आया। उसने गुर्राते हुए अविनाश से कहा, तुम ठूस लो पहले। मनोज को उत्सव के इस माहौल में श्रद्धा की याद सताने लगी। एक प्रेमी अपनी दूरस्थ प्रेमिका को याद कर रहा था और दूसरा प्रेमी अपनी निकटस्थ प्रेमिका को निहार रहा था। तुम सही कह रहे हो यार, योगिता मेरे आने के कारण ही बेहद खुश दिखाई दे रही है। संतुष्टि की गहरी सांस लेते हुए पांडे ने मनोज से कहा। अविनाश पांडे की बात पर हंसना चाहता था, पर इस डर से चुप रहा कि हंसने से उसके मुंह भरे कढ़ी चावल गिर जाएंगे। फिर भी मुंह में कढ़ी चावल भरे हुए उसने अपने मन की बात कह दी। पांडे तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? अविनाश बिन बुलाई शादी में केवल भोजन करने आया था, पर उसने पांडे को यथार्थ के दर्शन कराने का अपना दायित्व तो निभाया। पांडे ने अविनाश से गुस्से में कहा, रे उल्टी सीधी बातें बहुत करते हो तुम। तुम क्या जानो प्यार की खुशी क्या होती है? तुम्हें यहाँ लाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। बताओ अब क्या कहना चाहते हो? अविनाश की नजर बारीक थी। उसने पांडे को वो दिखाया जो प्यार में अंधा पांडे नहीं देख पा रहा था। अविनाश ने चाशनी वाले गरम गुलाब जामुन का आनंद लेते हुए पांडे से कहा, ये योगिता तुम्हारे कारण नहीं चहक रही है पांडे। वो देखो काले कोट में तुमसे लंबा और सुंदर लड़का खड़ा है ना, उसके कारण चहक रही है। पांडे और मनोज ने देखा कि योगिता एक स्मार्ट लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। पांडे ने इस दृश्य को देख कर भी अविनाश का विरोध किया। अविनाश तुम बेवकूफ हो, अरे यहाँ कई लोग योगिता के मेहमान हैं। हंसकर बात करना मेहमान का धर्म है। मत मानो पांडे, यदि नहीं मानना है तो, पर उस लड़के से ही चक्कर है योगिता का, अविनाश ने आत्मविश्वास से कहा। पांडे अब चौकन्ना हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि योगिता उसके कारण नहीं किसी और लड़के के कारण खुश है। अविनाश ने कॉफी पीते हुए फाइनल निर्णय सुनाया। पांडे अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारी योगिता ने तुमसे ज्यादा स्मार्ट और बेहतर लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा लो चलकर पढ़ाई कर लो। पांडे तनाव में था। उसने चिढ़ कर कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, हट, मैं खुद पता लगाता हूँ। रुको रुको पांडे, रुको रुको, मैं पता लगाता हूँ, तुम शांत रहो। मनोज ने विचलित पांडे को कंट्रोल करते हुए कहा। योगिता के पास पहुंचकर मनोज योगिता को परखने के उद्देश्य से बोला, योगिता अब हम लोग चलते हैं। जब तक योगिता कुछ बोल पाती, मनोज ने योगिता के साथ खड़े लंबे और स्मार्ट लड़के से हाथ मिलाकर कहा, हेलो मैं मनोज। हेलो मैं शशांक। योगिता ने शशांक का परिचय दिया। ये शशांक है, जीजा जी के रिश्तेदार, इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये एक अधूरा और आशंकित करने वाला परिचय था। पास खड़ा पांडे समझ गया कि इस लड़के के सामने वो कुछ भी नहीं है। शादी की लाइटिंग और चकाचौंध में पांडे का चेहरा फीका पड़ गया। उसे अपनी हार एकदम सामने दिखाई देने लगी। पांडे बुझ गया। लड़का उन लोगों से विदा लेकर चला गया। मनोज पूरी तरह कन्फर्म करना चाह रहा था कि वास्तविकता क्या है। मनोज ने योगिता से कहा, योगिता शशांक अच्छा लड़का है। योगिता को मनोज का आशय समझने में वक्त नहीं लगा। उसने मनोज से बड़ी उत्सुकता से पूछा, सच में? मनोज ने पूरी जांच पड़ताल के उद्देश्य से योगिता से कहा, योगिता इंग्लैंड जाकर हम लोगों को भूल मत जाना। योगिता शर्मा गई। उसने अपना सिर केवल ना के इशारे में हिलाया, जिसका अर्थ यह था कि वह इंग्लैंड जाकर इन दोनों को नहीं भूलेगी। पांडे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड जाकर योगिता उसे याद करेगी या भूल जाएगी। कुछ देर खामोशी बनी रही। पांडे की हिम्मत योगिता के चेहरे की ओर देखने की ही नहीं हो रही थी। योगिता ने मनोज से कहा, आप लोग खाना खा कर ही जाइएगा। योगिता ने पांडे की तरफ देखा भी नहीं और दूसरी तरफ चली गई। अविनाश ने देखा कि अब पांडे और मनोज अकेले हैं, तो वो लपक कर आ गया। मनोज ने अविनाश से कहा, तुम सही थे अविनाश, योगिता उस इंग्लैंड वाले लड़के से प्यार करती है। अविनाश ने पांडे से व्यंग में कहा, पांडे अब चलें या खाना खाकर जाओगे? एमए हिंदी में लात मारकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तुम्हारी प्रेमिका निकल ली इंग्लैंड। पढ़ लो नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मनोज ने पांडे से कहा, आजा पांडे आजा, खाना खा लेते, आजा देर हो रही है, आजा। पांडे अविनाश से कुछ नहीं बोला था, पर उसके भीतर आग लगी हुई थी। योगिता से कुछ कहने की हिम्मत पांडे की नहीं थी, इसीलिए वो मनोज पर फट पड़ा।
जिस दिन श्रद्धा तुमको छोड़कर जाएगी ना, उस दिन खा लेना तुम खाना। तुम्हें क्या करना है मुझसे? तुम्हें तो श्रद्धा की याद आ रही होगी ना। जाओ जाओ जाओ, श्रद्धा को तुम फोन करके आओ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुमको। पांडे ने अपने लुट चुके प्यार का गुस्सा मनोज पर उतार दिया। मनोज समझ गया कि इस समय पांडे से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। अविनाश पांडे को दूर खींच ले गया। मनोज वहीं खड़ा रहा। डीजे पर कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है वो गाने पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। सुखविंदर और आशा भोसले के इस गाने से मनोज अपने अधूरे इश्क में डूब गया। उसे लग रहा था कि ये गाना उसी के लिए गाया जा रहा है। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है। श्रद्धा के इश्क में डूबे मनोज के सामने इस समय श्रद्धा के अलावा कोई नहीं था। गाना खत्म होने के बाद ये भरा प्रेमी लुटे प्रेमी के पास आ गया। पांडे कंफ्यूजन में था कि खाना खाए या नहीं। उसके दिल और पेट में जद्दोजहद चल रही थी। उसे पता था कि आज पीली कोठी में भी उसे खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने भूख से समझौता नहीं किया। भरपेट खाने के बाद तीनों कार से वापस चल दिए। पेट में भोजन जाने के बाद पांडे में फिर से दुखी होने की ताकत आ गई थी। वह दुखी मन से सड़क पर देखने लगा। पांडे की रोने की इच्छा हो रही थी, पर रोने के लिए कार उसे उपयुक्त नहीं लग रही थी। अविनाश ने दोनों प्रेमियों से कार चलाते हुए कहा, देखो कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए ये प्रेमिकाएं एक मीठा जहर होती है, जिनसे शुरुआत में ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये जान लेकर ही छोड़ती हैं। अविनाश ने प्रेम और प्रेमिका के बारे में अपना विचार दोनों प्रेमियों को बता दिया। दोनों प्रेमी अविनाश की बात से सहमत नहीं दिख रहे थे, तो अविनाश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे प्रेमी तो कुत्ते होते हैं, जो उनके पीछे पढ़ाई लिखाई छोड़कर लप लपाई जीभ लेकर भागते फिरते हैं। क्यों पांडे? अविनाश ने पांडे को कुत्ता कह दिया था और अविनाश उसकी स्वीकृति पांडे से चाहता था। पांडे जोर जोर से बोलने लगा, हाँ मैं कुत्ता हूँ, हूँ मैं कुत्ता। इतना कहकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और अविनाश से लिपट कर रोने लगा। अविनाश को इस लिपटने से कार चलाने में असुविधा होने लगी। उसने पांडे को अपने से अलग किया और कहा, अरे पांडे कार चलाने दो यार, अभी घुस जाएगी किसी में। प्रेमिका से हाथ धोया, जान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। चलो हटो अलग। मनोज अब भी उसी गाने के सुरूर में था। अविनाश ने मनोज से पूछा, मनोज जी बताइए क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मनोज ने पूरे गले से पूरी आवाज में उसी गाने की लाइनें गाना शुरू कर दी। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। गाना इतना तेज और बेसुरा था कि कार के बाहर सड़क पर चलने वाले लोग भी मनोज को देखने लगे। तीनों पीली कोठी पहुंच गए और इस अव्यवस्थित रात में पढ़ाई नहीं होनी थी। पांडे कमरे में पड़ा पड़ा अपनी छूट चुकी प्रेमिका के लिए दुखी होता रहा। सोनी सोनी अखियों वाली गाना आज उसने नहीं चलाया। उसने लगान फिल्म का भजन, ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम बिन हमरा कौनो नहीं, अपने टेप पर लगा दिया और पलंग पर लेटकर रोता रहा। दोनों प्रेमी फिर से भूल गए। क्यों सिविल की प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की यह प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का यह दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का यह पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा फिर से अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग के तीर से पांडे को घायल करना शुरू कर दिया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवल का यह कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वही सोनी सोनी आंखियों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम्स ठीक से नहीं दे पाए थे, याद है? नवल ने अपने होंठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, देखो मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए, बस। पांडे ने सफाई दी। अविनाश बीच में कूदा, पांडे जी प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है,
अंदाज के आधार पर तैयारी करने से रिजल्ट यही मिलता है जो आपका हुआ है। नवल ने इस बार मनोज से कहा, मनोज इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सचमुच चिंता की बात है। मनोज इस बात का कुछ उत्तर देता इसके पहले ही नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, हम ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही हम कोचिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने की पंक्तियां गुनगुनाने लगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसके बाद टेढ़ा 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 शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज नवल के घातक व्यंग को सुनकर मन महसूस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थी। मनोज को यह समझ आ गया था कि परीक्षा में हर साल एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट में सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। उसे लगा कि जब प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम्स की सफलता अब बेमानी हो गई थी। कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ आ गई, इसीलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन मुश्किल होता है। सपना देखने के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोगों से अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए उन सबसे बेहतर बनना पड़ता है। वह तो पास के कमरे के नवल और अविनाश से ही बेहतर नहीं बन पाया, फिर पूरे देश में तो कितने ही प्रतियोगी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा योग्य हैं। वो कैसे पूरे देश के प्रतियोगियों को पछाड़ कर आगे बढ़ पाएगा उसे समझ नहीं आ रहा था। उम्मीद थी तो केवल इतनी ही कि हिंदी साहित्य में उसके लेखन पर विकास सर ने भरोसा जताया था। विकास सर के एक टेस्ट का मूल्यांकन उसके मन की उम्मीद को मरने नहीं दे रहा था, इसीलिए असफलताओं के बावजूद वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता था। धैर्य के साथ पढ़ाई करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर तैयार होना है, लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को वह दिल से नहीं निकाल सका। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसान नहीं होती है। कुछ दिनों तक शांत रही यह भावना फिर से हिलोरे मारने लगी, श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण से श्रद्धा फिर उसकी नींद उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा फिर उसे जगाने लगी। पढ़ाई और प्रेम के अजीब से द्वंद में घिरा था मनोज इन दिनों। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में डूब डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेमी और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम से नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने मनोज को समझाया, मनोज प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है, समझ में आ रही है? अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। मनोज ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरी रणनीतिक गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलता का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था, बल्कि अपने प्यार को वह पढ़ाई में सहयोगी ही मान रहा था। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझ सकते। मैं अब श्रद्धामय हो गया हूं। रात दिन मुझे श्रद्धा ही दिखती है। तुम इसे प्यार कह सकते हो, मैं इसे भक्ति कहता हूं। यही भक्ति मुझे शक्ति देती है। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई, संकल्प का आपस में घाल मेल कर लिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। पांडे ने मनोज से कहा, मनोज हम त्यागी जी के घर चलें, उनसे बात करके पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है यार। मनोज भी बहुत दिनों से त्यागी जी से नहीं मिला था, इसीलिए दोनों उनके घर चले गए। त्यागी जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर लोड़ से टिके किताब पढ़ रहे थे। दोनों को देखकर त्यागी जी ने ठहाका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है भाई? त्यागी जी को समझ नहीं आया।
इसीलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछा। श्रद्धा की पांडे ने मनोज के सामने बम सा फोड़ दिया, पर शायद त्यागी जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वो त्यागी जी जैसे अनुशासन प्रिय स्कूल प्रिंसिपल के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। टीम कहानी जानना चाह रहा था। समृद्ध तो नहीं था पर ठीक ठाक था। त्यागी जी ने ठहाका मारते हुए पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को त्यागी जी से इस तरह की स्वीकारोक्ति की उम्मीद नहीं थी। ठीक ठाक का नाम बताए या रहने दे। पांडे अपने दोनों हाथ मसलते हुए अब उनके किसी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बूढ़ा गई होंगी। त्यागी जी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थी। पांडे ने त्यागी जी पर कृपा कर दी। उसने उनकी बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये अत्यंत विचलित हैं। मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा इनको पढ़ाई में प्रेरित करती है, शक्ति देती है। पांडे ने त्यागी जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। ये प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो उत्साह से करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। त्यागी जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को त्यागी जी के विचार उनके मन माफिक लगे, लेकिन पांडे त्यागी जी के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। अरे वो तो ठीक है, पर समस्या ये है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने त्यागी जी को मसाला प्रदान किया। तो ना करें, प्रेम की यही तो खूबसूरती है, ये अकेले भी किया जा सकता है। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से समृद्ध तो मनोज ही हो रहे हैं ना, पवित्र भी तो मनोज ही कर रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बन पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा होता है। त्यागी जी ने मनोज को प्रेम का अलग और एक नया रूप दिखाया। मनोज ने त्यागी जी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? त्यागी जी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा। उम्मीद नहीं, अपेक्षाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, सिर्फ प्रेम। सिर्फ प्रेम है जो आपके अधिकार में है, शेष सब बेमानी है। क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे। जैसे ही आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में सिर्फ आपका मन है, किसी दूसरे का नहीं। मुझे लगता है बिना सफलता प्रेम मिलना मुश्किल है भाई। पांडे ने अपने दिल का दर्द त्यागी जी को सुनाया। सफलता असफलता का प्रेम के मिलने से क्या संबंध? आप सफल हैं तो प्रेम मिल जाएगा, असफल हैं तो प्रेम नहीं मिलेगा, ये कौन सा नियम है भाई? और फिर सफलता क्या है? क्या तहसीलदार थानेदार बनना सफलता है? जिस तरह से लोग प्रेम को ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति सत्ता धन प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह सड़क पर झाड़ू लगाएं। पांडे को उम्मीद थी कि त्यागी जी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर त्यागी जी ने तो दूसरा ही राग लापा, जिसे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि त्यागी जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा उसे अपने आप प्यार करेगी। मनोज त्यागी जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। त्यागी जी ने मनोज को अपने प्यार को मन में ही रखने का सुझाव दिया था। अभिव्यक्ति के स्थान पर
अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फोन नहीं लगाया, पर कब तक? कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वो? जब बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता है। कितना क्षणिक है ना ये सब। एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे पल में अविश्वास। अजीब प्यार है ये, जो एक समय में मजबूत दिखता है फिर खुद को परखने में लग जाता है, डगमगाने लगता है, फिर यह अविश्वास, यह परखना, यह डगमगाना सब अस्थाई लगता है। स्थाई लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प, उस प्यार की याद। कुछ दिनों श्रद्धा से बात ना करने की तपस्या के बाद मनोज को फिर लगने लगा कि श्रद्धा से बात किए बिना रहना मुश्किल है। ना करूं प्यार की बात, आवाज ही सुन लूं, एक बार बात कर लूं, फिर 2-3 महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई होगी मुझे? अगर नहीं भूली तो क्या वो भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे याद करता हूं? ये जानना भी तो जरूरी है ना। बिना फोन पर बात किए कैसे जाने ये सब? इसीलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फोन लगा ही दिया। प्यार की बात तो वो कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। श्रद्धा ने उसे बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है और फिर से तैयारी के लिए वह दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए अच्छी खबर थी, वो भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने को तैयार हो गया।